हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में ये हमारा लेक्चर 13 का पार्ट 1 है। इसके पहले हमने 12 और 11 और 10 लेक्चर्स में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स एंड देयर प्रोग्राम्स देखे थे। इसमें हम लूपिंग स्टेटमेंट्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स के तीन इम्पॉर्टेंट पार्ट ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू, ये तीन कीवर्ड्स हैं, इनको हम पढ़ेंगे। इनका काम क्या है, ये इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको यहीं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में हमारा अगला जो चैप्टर होगा वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होगा और उसको आप मिस नहीं करिए, वो होगा फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट किसको कहते हैं, आइए देखते हैं। ब्रेक एक कीवर्ड है, ये स्मॉल में लिखा जाता है सबसे पहला चीज, ठीक है। और कभी भी ब्रेक लूप के अंदर एक कंडीशन के अंदर होता है, ध्यान रखिएगा, लूप के अंदर भी एक कंडीशन होगा, उसके अंदर ब्रेक होगा। ब्रेक करता क्या है कि हमको लूप से डायरेक्ट बाहर कर देता है। हम चाहते हैं कि किसी कंडीशन तक तो लूप चले, लेकिन अगर लूप के अंदर कोई ऐसा कंडीशन मैच हो जाए जिसमें हम उस लूप से बाहर निकलना चाहते हैं तो हम ब्रेक का यूज करेंगे। ये कोई ऐसा प्रोग्राम आपको मिलेगा जहाँ आप लूप के अंदर एक ऐसा कंडीशन पाके उसको लूप से बाहर आना चाहेंगे तो आप ब्रेक का यूज करेंगे। चलिए इस पर एक सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं या इसका एक लेआउट बना लेके देख लेते हैं कि आखिर ब्रेक कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ। ओके, तो प्रोग्रामिंग के साथ साथ मैं इसका लेआउट बनाऊंगा और ड्राई रन करके दिखाऊंगा कि आखिर ब्रेक का काम क्या है। तो मैं एक ऐसा प्रोग्राम लेता हूँ जिसमें मैं लूप को 10 बार एक लूप को चलाऊंगा, लेकिन लूप के अंदर मैं एक ऐसा कंडीशन लगा दूंगा कि उस कंडीशन को पाने के साथ ही ब्रेक स्टेटमेंट चलेगा और ब्रेक जब स्टेटमेंट चलेगा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। सबसे पहले मैं एक सिंपली वेरिएबल लेता हूँ इंट आई, ठीक है, और आई की वैल्यू मैं सिंपली 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हम और अच्छा समझ सकें, ठीक है। और एक व्हाइल लूप लगाता हूँ आई लेस देन इक्वल टू 10, मतलब ये 10 तक चलेगा ही चलेगा, पक्का है, श्योर है कि आई लेस देन इक्वल टू 10, मतलब ये 10 तक लूप चलेगा ही चलेगा, 10 बार लूप चलना चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि ये 10 बार चले। जब इफ आई इक्वल इक्वल टू 6, जब आई की वैल्यू 6 हो जाए तो ये लूप जो है टर्मिनेट हो जाए, तो मैंने ब्रेक लगा दिया। जैसे ही आई की वैल्यू 6 होगी ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब अब लूप के हम बाहर आ जाएंगे। ऐसा अभी तक आप नहीं कर सकते थे, जब तक ब्रेक आप यूज़ नहीं करें तब तक नहीं कर सकते थे। अब मैं इसको चेक करने के लिए सिंपली मैं क्या करता हूँ, आई की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ, परसेंटाइल डी आई, आई की वैल्यू मैंने प्रिंट करा दी। अच्छा, अब होगा ये कि सबसे पहले आई की वैल्यू तो 0 है। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को कॉपी करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा एडिटर पे अपने। ओके, हमारा प्रोग्राम आ गया इस स्क्रीन पे। अब हम क्या करेंगे कि जैसे आई की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू क्या है अभी 0 है, ओके, ये हम ड्राई रन कहते हैं इस प्रोसेस को। ओके, आई की वैल्यू 0 है, कंडीशन है आई लेस देन इक्वल टू 10, यानी सही है, आई प्लस प्लस, मतलब आई की वैल्यू क्या हो गई 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा ये तो है आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, 0 खत्म हो गया। अच्छा, फिर चेक हुआ आई इक्वल टू 6 है क्या, नहीं है, तो ब्रेक नहीं होगा क्योंकि इफ के अंदर ब्रेक है, इफ के अंदर प्रिंट एफ नहीं है क्योंकि मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा है, तो एक ही स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट बोलेगा प्रिंट एफ आई, आई प्रिंट कर देगा, तो आउटपुट जो हमारा होगा वो क्या होगा, सबसे पहले आउटपुट स्क्रीन पर क्या आना चाहिए, आउटपुट स्क्रीन पर आना चाहिए 1। ओके, फिर आई की वैल्यू तो हमने इंक्रीमेंट की है, आई की वैल्यू 1 हुई, फिर जाकर 1 चेक हुआ, 1 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, हाँ है, आई की वैल्यू 2 हुई, मतलब यहाँ आई की वैल्यू क्या हुई 2 हुई। इफ आई इक्वल टू 6, आई इक्वल टू 6 सेकेंड नहीं है तो आई की वैल्यू एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। ओके, फिर आई की वैल्यू चेक हुई 2 नहीं है, 3 हुआ आई की वैल्यू, 2 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, नहीं है, आई की वैल्यू यहाँ 3 हो गया, 3 6 के बराबर नहीं है, मतलब आई इक्वल टू 6 नहीं है तो ब्रेक नहीं चलेगा, मतलब 3 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से 4 भी प्रिंट होगा,
इस तरह से 5 भी प्रिंट होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही 5 प्रिंट होगा तो 5 चेक होगा, आई लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, मतलब 5 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, हाँ है। फिर आई प्लस प्लस होगा, मतलब आई 6 हो जाएगा यहाँ पे। कुछ समय बाद आई जो है 6 हो जाएगा। ये हमारा एक समय हो गया जब आई 6 होगा। आई 6 हुआ मतलब आई प्लस प्लस होता ही आई 6 हुआ। आई 6 हुआ तो इफ आई इक्वल टू 6, मतलब आई 6 हुआ तो ब्रेक हो गया, मतलब लूप के बाहर आ गया, मतलब अब लूप के हम बाहर आ गए। ये जो लूप हमारा चल रहा था, इस लूप के हम डायरेक्टली क्या गए, बाहर आ गए, ठीक। अब हम इस लूप के बाहर खड़े हैं। अच्छा, तो हम इस प्रोग्राम को अगर रन करें तो हमारे पास 5 ही आउटपुट आने चाहिए 1 से 5 तक। तो देखते हैं क्या होता है इस प्रोग्राम को जब रन करते हैं। सबसे पहले इस मैं फाइल को सेव करता हूँ, सेव करने के साथ ही मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा, रन करता हूँ तो देखिए 1 से 5 तक आया, मतलब हमारा मेरे के स्टेटमेंट चल चुका था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और ऐसा और सारे वीडियोज आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।